जो हमारे इंडिया घटक दल के जो नेता हैं सब लोग बैठते हैं ना, आपस में बैठ के कोई बड़ी चीज नहीं, आपस में बैठ के इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के नेता बैठ के निर्णय ले लेंगे, जल्द ही जल्द सीट शेयरिंग हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, आपके साथ मैं हूं श्वेता चौबे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी का जो जयंती, स्वामी जयंती जो उनका मनाने जदयू के नेता और कार्यकर्ता के द्वारा जो मनाया जाएगा, ये भव्य तरीके से मनाया जाएगा और इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और उनके साथ ही जनता दल के नेता और कार्यकर्ता भी रहेंगे। और उन्होंने लोकसभा चुनाव के सीट के बंटवारे को लेकर कहा कि जल्द ही इस पर चर्चाएं होंगी और हमारे दल के नेता के साथ साथ इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता हैं वो बैठकर इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी आपको जल्द से इसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं उमेश कुशवाहा और किस तरीके से अपने घेरे में लेते नजर आ रहे हैं सुशील मोदी को, पहले आप वो सुने। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती, स्वामी जयंती और जन शताब्दी, तो जयंती मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, पार्टी ने निर्णय लिया है ये वेटरनरी कॉलेज मैदान में, और उसको भव्य ऐतिहासिक रूप से इस जयंती को हम लोग मनाएंगे, स्वामी जयंती को। और कौन कौन लोग हैं? पार्टी के सर्वमान्यता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री सरदेश श्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, पार्टी के वरीय सभी लीडर रहेंगे उसमें, और तमाम माने इसको जो हर स्तर पर जो भी है सभी कार्यकर्ता जो है इसमें सम्मिलित होंगे। भीम संसद से भी बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी तो रहेगा ही, हम लोग ने भीम संसद कार्यक्रम जो किया है आप देखा ही है कि उसमें लगभग 2 लाख से ऊपर लोगों की उसमें भागीदारी हुई है, तो निश्चित रूप से अपना जो हमने रिकॉर्ड कायम किया है उस रिकॉर्ड को कायम को तोड़ते हुए आगे हम लोग लकीर खींचेंगे, बेहतर हम लोग करेंगे, उससे बेहतर अच्छा होगा। इसका ये प्लेटफॉर्म तो नहीं है ये बताने का, जो भी है जो उसका प्लेटफॉर्म है सब लोग अपनी बात रखते हैं, जो हमारे इंडिया घटक दल के जो नेता हैं सब लोग बैठते हैं ना, आपस में बैठ के कोई बड़ी चीज नहीं, आपस में बैठ के इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के नेता बैठ के निर्णय ले लेंगे, जल्द ही जल्द सीट शेयरिंग हो जाएगी। इसमें हड़बड़ी क्या है ये तो आप लोग को पता चल ही जाएगा, मीडिया के साथी को जो हमारे घटक दल के कोई भी नेता आपको ब्रीफ कर ही देंगे, जब भी उस पर लोग बैठ लेंगे और बैठ कर निर्णय हो जाएगी, बहुत जल्द ही उसका निर्णय हो जाएगी सीट शेयरिंग का, और उस पर आप लोग को उसको ब्रीफ कर दिया जाएगा, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। ये राष्ट्रीय स्तर के जो लीडर है जो उसमें बैठेंगे वो विशेष रूप से बताएंगे नहीं, और ये बहुत ज्यादा इस चीज को आप लोग जो मीडिया में लाते हैं ये बहुत बड़ा माने नहीं रखता है। तमाम हमारे जो नेता हैं घटक दल के सब लोग आपस में बैठकर तय कर लेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आए उमेश कुशवाहा और किस तरीके से सुशील मोदी पर निशाना साधते नजर आए, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सुशील मोदी को राजनीति का कुछ नहीं मालूम, वो जो भी करते हैं उनके नेता उनको बताते हैं तो वो आगे आगे वैसे काम वो करते जाते हैं, और उन्होंने कहा कि राजनीतिक गलियारों से जो बयानबाजी करते हैं वो बैठकर ये सिर्फ वो राजनीतिक घमासान छेड़ने का काम करवाते हैं। तो क्या कुछ कहते नजर आए उमेश कुशवाहा ये मैंने आपको सुनाया। तो इस खबर में बस इतना ही, आसपास से जुड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।